सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। दूध खाते हुए या दूध पीते हुए कोई भी नमक की चीज ना, दूध और नमक की भी दोस्ती नहीं है, दही और नमक की भी दोस्ती नहीं। अगर कोई चीज दूध की खा रहे हैं तो नमक की चीज ना हो, नमक की चीज खा रहे हैं तो दूध की चीज ना हो। अब आप कहेंगे इट इज हाईली इम्पॉसिबल, ऐसे इम्पॉसिबल है कि खीर खानी है और सब्जी ना हो, ये तो बड़ा मुश्किल। तो मेरा तो आपको रिक्वेस्ट है कि खीर खानी है तो रोटी खीर खाइए या पूड़ी खीर खाइए, खीर को पूड़ी के साथ खाइए, खीर को रोटी के साथ खाइए, सब्जी ड्रॉप कर दीजिए उसके, बहुत अच्छा होगा। नहीं कर सकते हैं तो आयुर्वेद ने उसका एक रास्ता निकाला, वो रास्ता ये दिया उन्होंने कि अगर आप दूध को नमक के साथ खाना चाहते हैं या दूध की चीज के साथ नमक की चीज भी खाना चाहते हैं तो नमक बदल दीजिए अपने घर का। नमक लाइए सेंधा, जिसको हम पाकिस्तानी नमक कहते हैं, लाहौरी नमक कहते हैं, वो नमक खाइए। अब आप बोलेंगे इसमें क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। एक तो नमक बनता है समुद्र के पानी से, जिसको आदमी बनाता है, जो आजकल आपके घर में आता है। ये बाजार से जो आप नमक लाते हैं ना, आयोडीन युक्त, ये सब समुद्र के पानी का नमक है। और एक नमक है जो भगवान बनाता है, ईश्वर बनाता है, वो वही नमक है जिसको लाहौरी नमक कहते हैं, सेंधा नमक कहते हैं, कुछ लोग उसको उपवास का नमक भी कहते हैं, फरारी नमक कहते हैं, वो उपवास में इस्तेमाल करने वाला नमक है। दोनों नमक को लेबोरेटरी में जब टेस्ट किया हम लोगों ने, बहुत काम किया इस नमक पे हम लोगों ने, रिसर्च करके, टेस्टिंग कर करके, तो पता चला कि जो समुद्र का नमक है, समुद्र पानी का नमक है, इसमें शरीर के काम आने वाले 3 या 4 ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, 3 से 4, कभी कभी 3 रहते हैं, कभी 4 रहते हैं। और ये जो समुद्र के नमक को छोड़कर हम सेंधा नमक खाना शुरू करें, पाकिस्तान वाला, लाहौर वाला या उपवास वाला, उसमें 94 तक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, 94। अब आप देख लीजिए फायदे का सौदा क्या है। ये नमक है जिसमें 3 से 4 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो नमक है जिसमें 90 से 94 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, तो आप सीधे कहेंगे हमको तो वही चाहिए, वही नमक सबसे अच्छा। और मैंने इस पे थोड़ा काम किया तो पता ये चला कि जब हम समुद्री पानी का नमक खाते हैं तो शरीर के सारे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते, क्योंकि वो शरीर को अनुकूल नहीं पड़ता, क्योंकि समुद्र का पानी ही अनुकूल नहीं है किसी को। समुद्र के पानी को शुद्ध करने की ताकत तो भगवान और ईश्वर और वाहेगुरु के ही पास है, और किसी के पास नहीं, आदमी तो नहीं कर सकता। ये समुद्र का पानी जब धूप पड़ती है वेपराइज होता है, बादल में बदलता है, बादल फिर बरसता है, पानी आता है, वो जो साइकिल है वो ईश्वर की, प्रकृति की साइकिल है, हमारी नहीं, वो ही कर सकता, हम नहीं कर पाते। लेबोरेटरी में कितना भी हम शुद्ध करें वो नहीं आ पाता। और दूसरी जानकारी कि सारे नमक समुद्र वाले ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाले, समुद्र के पानी का जितना नमक खाएंगे ब्लड प्रेशर उतना ही बढ़ेगा। और आजकल ब्लड प्रेशर एक कॉमन डिसीज हो गई है, जो किलर है, किसी को भी मार डाले। हर दूसरे तीसरे आदमी को पूछ लो तो कहता बीपी हाई है, उसका सबसे बड़ा कारण है नमक जो हमारे घर में है। मैं आपको और एक ऐतिहासिक जानकारी देना चाहता हूं, सुन के आपको खराब जरूर लगेगा लेकिन वो सच है। वो ये है कि ये समुद्र के पानी का नमक हम भारतवासियों ने मात्र 70 साल पहले से खाना शुरू किया है। 70 साल पहले कोई भारतवासी समुद्र के पानी का नमक नहीं खाता था, हम सब सेंधा नमक आयोडीन के नाम। अब समस्या इसमें एक आती है, वो ये कि हमको आयोडीन की डिफिशियंसी है नहीं, क्योंकि हम आधा कटोरी दाल रोज खाते हैं, फिर हम एक्स्ट्रा आयोडीन वाला नमक खाएंगे तो आयोडीन जरूरत से ज्यादा शरीर में हुआ तो समस्या आती है। और वो समस्या क्या आती है? सबसे बड़ी समस्या आती है नपुंसकता की। सरप्लस आयोडीन जितना भी शरीर में आएगा आपको लगातार नपुंसक बनाता जाएगा, इम्पोटेंसी आप में आएगा। और हमारे देश में ये केसेस अब आने लगे हैं। मैं तो डॉक्टर की तरह से भी काम करता हूं पिछले 12 साल से, और ट्रीटमेंट देता हूं, निशुल्क देता हूं, मुफ्त में चिकित्सा करता हूं, इसलिए बहुत पेशेंट होते हैं मेरे पास। ऐसे हजारों पेशेंट हैं
जिनकी शादियां हो गई हैं, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बच्चा नहीं हो रहा। मैं दोनों की रिपोर्ट निकलवाता हूं, पति की पत्नी की, कहीं कोई मुझे कॉम्प्लिकेशन समझ में नहीं आता। लास्ट में फिर मैं डायग्नोसिस करते हुए आयोडीन का चेक करवाता हूं तो उनके ब्लड में जरूरत से ज्यादा आयोडीन मिलती है। जरूरत से ज्यादा आयोडीन ब्लड में अगर है तो ये क्या करेगी, आपके स्पर्म काउंट कम कर देगी अगर आप पुरुष हैं तो, और अगर स्त्री है तो आपका ओव्यूलेशन का काम खत्म कर देगी और फिर आप मां या पिता नहीं बन पाएंगे। ऐसे हजारों केस आए। फिर मैं क्या करता हूं, जब मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं लगता, आयोडीन सरप्लस दिखता, मैं उनको कह देता हूं नमक बदल दो, आप ये सेंधा नमक खाना शुरू करो, काला नमक खाना शुरू। 1 साल के बाद वो आते हैं कहते हैं बच्चा तो हो गया, 1.5 साल में आके कहते हैं बच्चा तो हो गया। फिर वो मुझे कहते हैं आप तो बड़े चमत्कारी आदमी है। मैं कहता हूं मेरा कोई चमत्कार नहीं है, आप में बड़ी सिद्धि है, ऐसी बातें करना शुरू कर दो तो मैं कहता हूं ये मेरा चमत्कार नहीं, नमक का चमत्कार है। इतनी सिंपल सी बात। किसी को भी अगर ऐसा लगता है कि उनकी एनर्जी लेवल कम हो रही है, सेक्स पावर कम हो रही है, आप सिंपल इतना ही करो, नमक चेंज कर दो। नमक चेंज करके आप देखना आप में चेंजेस आएंगे, मिरेकल्स। तो नमक का हमारे देश में आज के जमाने में टीवी का हैमरिंग कर करके, विज्ञापन कर करके हमारा ऐसा दिमाग खराब किया है कि हर व्यक्ति को लगने लगा आयोडीन युक्त नमक नहीं खाएंगे तो मेरा बेटा ऐसा पैदा होगा जैसा उसका टीवी में दिखाते, या आयोडीन नमक नहीं खाएंगे तो मेरा गला ऐसा हो जाएगा जैसा टीवी में दिखाते हैं, दिमाग खराब हो जाएगा। मैंने कभी नहीं खाया, मुझे ना दिमाग खराब है, ना कोई गहंगा रोग है, ना कोई तकलीफ है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो आप ये विज्ञापनबाजी में मत जाइए, ये तो सरकार के विज्ञापन है और सरकार के विज्ञापन कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ है। स्वाद क्या है इसमें, नमक बनता है समुद्र का 15 पैसे किलो, आप जानते हैं, क्योंकि उसको बनाने में खर्चा कुछ नहीं है। समुद्र का पानी है मुफ्त का है, सूरज की रोशनी है वो भी मुफ्त की है, मशीन कोई लगती नहीं। 15 पैसे किलो का नमक बिकता बनता है, अब उसको बेचना है 10 रुपए किलो, तो कैसे बिकेगा, तो कुछ उसमें शिगुफा लगाना पड़ेगा। तो वो बताना शुरू करते हो आयोडाइज्ड है, आयोडीन युक्त है, एक्स्ट्रा फ्री फ्लो है, ये सब आपको बोल बोल के उल्टू बनाते हैं। नमक को एक्स्ट्रा फ्री फ्लो है, एक्स्ट्रा फ्री फ्लो माने वो दाना दाना गिरता है। मैं आपको जो किस्सा समझाना चाहता हूँ वो ये, दाना दाना नमक गिरना ही नहीं चाहिए, नमक कभी भी एक्स्ट्रा फ्री फ्लो होना नहीं चाहिए, नहीं तो वो नमक नहीं रहेगा। एक्स्ट्रा फ्री फ्लो करने के लिए पता है क्या किया जाता है, नमक की जो नमी है उसको निकाला जाता है, तो नमक की क्वालिटी है कि वो नमी को एब्जॉर्ब करता है। खुला हुआ नमक यहाँ रख दो सूखा हुआ, 10 मिनट के बाद आप देखेंगे वो गीला गीला हो जाएगा। वातावरण में जितनी भी ह्यूमिडिटी है उसको वो खींचता है, इसी की क्वालिटी है नमक की। अब वो नमी को निकालने के लिए केमिकल डालते हैं, उसका नाम है एल्यूमिनियम सिलिकेट, और ये केमिकल और भी खतरनाक। एक तो डाल दिया पोटेशियम आयोडेट जो इनऑर्गेनिक है, ऊपर से डाल दिया एल्यूमिनियम सिलिकेट उसको एक्स्ट्रा फ्री फॉल बनाने के लिए। ये दोनों समस्याएं हमारे शरीर को बहुत कॉम्प्लिकेशन दे रही। अब मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं जो आपको होनी ही चाहिए। यूरोप और अमेरिका में एक्स्ट्रा फ्री फ्लो नमक की जरूरत है, उनको जरूरत है। क्यों? क्योंकि उनके यहां सब्जी बनाना किसी को नहीं आता, वो बनी बनाई सब्जी लाते हैं जो पैकेट में आती है, डब्बा बंद आती है, और बनी बनाई सब्जी में नमक मिला के पैकेट नहीं बना सकते, नहीं तो खराब हो जाती है। तो वो बिना नमक की सब्जी बना के पैकेट में बंद करके अमेरिका में बेचा जाता, कनाडा में बेचा जाता, यूरोप में बेचा जाता। अब उस सब्जी को खाने के लिए जब पेट पे डालेंगे तो ऊपर से नमक डालना पड़ता है, इसलिए उनको एक्स्ट्रा फ्री फ्लो नमक चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में बिल्कुल उल्टा है, हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कोई घर नहीं है जिसको सब्जी बनाना ना आता हो, अमेरिका में ऐसा कोई फैमिली नहीं है जिसको सब्जी बनाना आता हो। वो प्रोफेसर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, लेकिन सब्जी बनाना किसी को नहीं आता, रोटी बनाना नहीं आता, पराठा बनाना नहीं आता, पूड़ी बनाना नहीं आता, कुछ भी नहीं आता उनको। तो इस टेक्नोलॉजी में हम ही मास्टर हैं और कोई नहीं। हाँ, कुछ आता ही नहीं है, वो तो बाजार से पाव रोटी खरीद लाते हैं, डबल रोटी खरीद लाते हैं, उसको ऐसे काट लो, बीच से काट लो, उसमें कुछ भर लो, खा लो। हालांकि वो बनती गेहूं के आटे से ही है,
हम भी गेहूं के आटे से पूड़ी बनाते हैं, पराठा बनाते हैं, ये बनाते हैं, हम 100 आइटम बनाते हैं गेहूं के आटे से, उनको एक ही आइटम बनाना आता है, वो पाव रोटी डबल रोटी, वो भी सड़ाकर फर्मेंटेशन कराकर, छह छह दिन सड़ाना पड़ता है आटे को मैदा बना के तब वो बनती है। तो उनकी प्रॉब्लम है, सब्जी बना नहीं सकते, दाल बना नहीं सकते, आती है नहीं, टेक्नोलॉजी उनको किसी ने बताई नहीं, उन्होंने कभी ली भी नहीं दोनों से, दोनों दुनिया के किसी देश से, तो उनको ऊपर से नमक डाल के खाना पड़ता है, सलाद में डालेंगे, सब्जी में डालेंगे, तो उनको एक्स्ट्रा फीस को चाहिए। हमारे यहाँ तो उल्टा है, हम तो सब्जी बनाते समय नमक डालते हैं। आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? हम सब्जी बनाते समय नमक डालते हैं, हमको एक्स्ट्रा फीसों की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ दाल बनाते हुए नमक डाला जाता है, सब्जी पकाते हुए नमक डाला जाता है, हम सब्जी बनने के बाद नमक डाल के नहीं खाते, हम सब्जी बनाते हुए नमक डालते हैं, उसमें बॉइलिंग आता है, उबाल आता है, फिर जाके हम वो सब्जी खाते हैं, तो हमको एक्स्ट्रा फ्री फ्लो की जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार हमको भी जबरदस्ती वो नमक खिला रही है एक्स्ट्रा फ्री फ्लो के नाम पर, तो हमारे शरीर में एल्यूमिनियम लीकेज पड़ता जा रहा है और उसके कारण लंग्स इन्फेक्शन की बीमारियां हैं, दमा है, अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, ट्यूबरक्लोसिस है, क्योंकि एल्यूमिनियम लीकेज बहुत खराब केमिकल है। एल्यूमिनियम का ही नाम आप जानते हैं, वो बहुत खराब है, हैवी मेटल है, वो सब डिपॉजिट होता है, फ्लश आउट नहीं हो सकता बॉडी से। इसलिए मेरी आप सबको हाथ जोड़कर विनती है कि जो जिंदगी भर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो नमक तो आज से ही बदल दीजिए। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी।